फाइन। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब टोटल हम लोग पास 3 बच्चा, इसको ख़त्म कर देंगे 2 बच्चे का, ठीक है। मंडे को ख़त्म कर देंगे, कल तो आप टेस्ट ले रहे हैं तुम लोग का, मैं इतना गारंटी है कि नेक्स्ट वीक तो ख़त्म कर देंगे किसी तरह। नेक्स्ट वीक कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओ होल कंप्लीट, ठीक है, हो जाएगा टोटल। जो छूटा था तुम लोग का वो भी कवर हो ही रहा है, ये तो नहीं पढ़ाए थे पिछले साल, तो हो रहा है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया। इससे पहले, अच्छा इससे पहले क्या क्या जाने तुम लोग, थोड़ा रिकैप करवाओ तुमको तेजी से। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेसिक चीज, उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कोमल थी ना उसमें, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था वो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2050 के बाद ही यूज़ हो पाएगा थोड़ी, है ना, क्योंकि एक स्टेज होने में 20-25 साल लग जाता है, ठीक है। और अभी सेकेंड स्टेज की तरफ हम लोग मूव करें, बट सेकेंड स्टेज में हम बाहर के डिस्ट ज़्यादा डिपेंडेंट है यूरेनियम को लेकर, क्योंकि यूरेनियम तो हमारे इंडिया में है ही नहीं, हमारे इंडिया में थोरियम ही है, तो थोरियम तो थर्ड स्टेज में यूज़ होगा, वही एडवांस स्टेज है जो थर्ड, याद है सभी चीज़। तो देखो वो देश ये समझो कि हमारा आखिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियर को लेकर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी होता है स्टूडेंट, वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। नीचे देखो तो सेकंड पेज देखो तो इसमें ज़रा समझ में आएगा, सेकंड पेज ठीक है। इंडिया का स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, उनके अंडर आता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। ये 2 भाग में डिवाइडेड है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेगुलेटर है, डेट इज एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर ध्यान दो, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके अंदर बहुत सारे बॉडी हैं, ठीक है। जैसे देखो ये भावनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के लिए, NPCL तुम्हारा पावर के लिए, है ना, UCL है तुम्हारा यूरेनियम एक्सप्लॉयट करने के लिए, और फ्यूल साइकिल के लिए तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स। फ्यूल साइकिल का मतलब जो फ्यूल जो यूज़ होता है ना रिएक्टर सब में, उसमें रिएक्टर में, उसके लिए है न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स, समझ गए स्टूडेंट। ये तो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये बार बार मैं तुम लोग को दिखाऊंगा ताकि तुम लोग को याद रहे ये चीज़। अब यहाँ पे समझना होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी है वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, यानी कि नीचे का जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दिख रहा है ना फिगर, देखो कदा लो फिगर देखो, यहाँ पे इसका जो सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी होगा वो चेयरमैन होगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा प्रधानमंत्री को। तो ऊपर जो दिख रहा है तुम लोग को एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वो एक तरह से प्लानिंग प्रोसेस करेगा कि इंडिया में किस तरह लागू होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, पूरा ओवरऑल बॉडी है, ठीक है, वो प्लानिंग करता है, समझ गए। अब देखो, अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कब बना था ये। तो फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, ये अगस्त 1948 को इस्टाब्लिश हुआ था, और उस समय जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर हुआ था, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च खुद स्वयं जून 1948 में बना था। तो जो जून 1948 में बना जो डिपार्टमेंट, उसके अंदर अगस्त 1948 को AEC बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसके अंदर रखा गया, ठीक है। कुछ साल बाद देखो 1954 में फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बना, बाद में क्या कर दिया गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इसके अंदर रख दिया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इसलिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन सबसे ऊपर है, इसके ऊपर है, जो बना था उसके अंदर रख दिया गया है, AEC के अंदर रख दिया गया, समझ में आ गया ना ये चीज़। अब यहाँ पर समझो, जैसे कि मैंने कहा है कि जो सेक्रेटरी होगा, जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो DAE का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा AEC का, ऊपर वाला का। इसका जो सेक्रेटरी होगा ऊपर वाला का चेयरमैन होगा, समझ में आ रहा नहीं ये चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट, आमतौर पर हमें लगता है, हमें ठीक उल्टा लग रहा होता है, मैं इसमें वो व्यवस्था बना, जैसे इसरो का भी बनाया गया ना, इसरो का जो चीफ होगा वो तुम्हारा स्पेस कमीशन का भी वो होगा, चेयरमैन होगा, वी हैव सीन, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अदर मेंबर जो होंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ AEC, ठीक है, इसके रिकमेंडेशन। तो समझते काम क्या है, जैसे मैंने एक ब्रॉड काम बताया तुम लोग को, प्लानिंग करना, पूरा प्लानिंग करने का इनका ही अधिकार है। तो प्लानिंग में क्या क्या आ जाएगा, रिसर्च करना एटॉमिक साइंस में, एटॉमिक साइंस मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च करना पूरा कंट्री में, जो हमारे बाबा साहब किए थे, नंबर वन होमी बाबा, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च करना, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का रिसर्च करना, ये काम है। दूसरा काम देखो, साइंटिस्ट को ट्रेन करना न्यूक्लियर में, एटॉमिक में। दूसरा क्या है कि न्यूक्लियर रिसर्च हमारे जो भी अपने अपने लेबोरेटरी, हमारा बहुत सारा लेबोरेटरी होगा ना, उसमें प्रमोट करना कि जितना रिसर्च हो उतना बेटर है। लास्ट क्या है तुम्हारा, जो भी एटॉमिक मिनरल्स है, एटॉमिक मिनरल्स मतलब जो भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स, उस पर प्रोस्पेक्ट करना कि कहाँ कहाँ हो सकता है, और इसी का एक नतीजा है कि थोरियम मिला है हमें,
प्रोस्पेक्ट करना कि एटॉमिक मिनरल्स क्या क्या है और एक्सट्रैक्ट करना ताकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको यूज़ कर सकें इंडस्ट्रियल स्केल, क्योंकि मास यूज़ करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और जानते हो कि न्यूक्लियर पावर बहुत ही क्लीन एनर्जी है। अब केवल यहीं का बात नहीं है, पिछले क्लास में हम लोग ये भी जाने थे कि न्यूक्लियर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, फूड इरेडिएशन देखे थे, डायग्नोसिस देखे थे, ट्रीटमेंट देखे थे, क्या नहीं देखे थे हम लोग, समझ गए ना, हर जगह ही यूज़ है। आगे देखो, तो फर्स्ट हो गया स्टूडेंट, अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नीचे देख लो जाके, फिर से ऊपर जाके सेकंड पेज देखो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नीचे जैसे ही हम आएंगे कोई भी पढ़ाएंगे जस्ट ऊपर जाके देख लेना, माइंड में स्टोर रह जाएगा ये चीज़, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो देखो जब से ये बना है तब से इसको काम मिला है कि यस आप काम करिए न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, ये उसको काम दिया कि टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो, समझे, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ बाकी सेक्टर में कैसे हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिसिन हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो, ठीक है। और इसीलिए फलस्वरूप क्या है स्टूडेंट कि इसके अंदर 5 रिसर्च सेंटर काम करते हैं, 5 रिसर्च सेंटर, 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, 5 तुम्हारा PSUs काम करता है और 3 तुम्हारा बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, सबका देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या, कितना बड़ा बॉडी है, पूरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का काम है, उसका प्लानिंग करने का, इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का काम है। इसलिए ये देखते हो अपने साथ कितना रखा है, 5 रिसर्च सेंटर रखा है, 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रखा है, 5 PSUs रखा है, 3 एजुकेशनल संस्था रखा है, समझ गए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में देखा जाए काम क्या है, एनहेंसिंग द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजिनियस एंड अदर प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड टू डेवलप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एज वेल एज थोरियम बेस्ड रिएक्टर। समझ में आई गया बात तुम लोग को कि न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाना, कैसे हम अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अपना टेक्नोलॉजी को और कैसे बेहतर करें, कैसे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कहाँ पे यूज़ होता था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बताओ, फर्स्ट स्टेज हाँ जी, फर्स्ट स्टेज, उसको और कैसे बेस्ट करें, और जो लास्ट का स्टेज था थोरियम रिएक्टर उसको कैसे बेस्ट करें, इस चीज पे काम होता है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ रिसर्च रिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि रेडियो आइसोटोप्स कैसे बनाया जाए, रेडियो बताए थे ना कैसे यूरेनियम से टूट के गिरता है, तुम्हारा यूरेनियम 235 बनता है, उसको कैसे डेवलप करें, वो विकसित करें, कि वो जितना विकसित करेंगे उतना ही काम आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो कैसे हम करें इस पर, कैसे हम बिल्ड करें, कैसे हम ऑपरेट करें इस तरह का रिसर्च रिएक्टर जहाँ पर हम रेडियो आइसोटोप को प्रोड्यूस करें, है ना, डेवलप करें ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में काम कर सके, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारा काम कर सके। बट उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आइसो मटेरियल्स होना चाहिए, रेडियो आइसो मटेरियल्स होना चाहिए आपके पास, तो हाउ टू प्रोड्यूस, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, सेंट्रीफ्यूजर से बहुत दुनिया भर का चीज़ है, वो डेवलपमेंट करना। आगे देखो, हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एक्सीलरेटर, अब एक्सीलरेटर कैसे याद करोगे, CEN टेक्नोलॉजी है ना सर, जानते हो ना, स्विट्जरलैंड का, जहाँ पे फोटोन सब निकलता है, जो सबसे लाइटेस्ट मटेरियल निकला था बोसन आइंस्टाइन वाला जो निकला था, याद है ना, यस, वो एक्सीलरेटर है जहाँ पे एक्सीलरेट करवाते हैं और कुछ नया निकलता है। देखो इस बार देखो ना, फ्यूजन वाला जो प्रोसेस हुआ था वो भी तो एक्सीलरेटर का ही एग्जांपल है, जहाँ पे हम सन को कॉपी किए थे, यस, पता है ना तुम लोग को, फ्रांस में जी जो हुआ था, बिल्कुल एक्सीलरेटर। देखो तो टेक्नोलॉजी एक्सीलेटर वाला, लेजर वाला, सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स एरिया, फ्यूजन रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मटेरियल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी चीज़ में हमें करना है, समझे ना, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री, और जो भी टेक्नोलॉजी होगा वो इंडस्ट्री को दे दो, क्योंकि यही काम होता है कि पहले लेबोरेटरी में होगा, जो भी बेहतर हुआ इंडस्ट्री को दो, इंडस्ट्री उस चीज़ को और आगे बढ़ाएगा, यूज़ करेगा और कस्टमर को फायदा होगा उस चीज़, तो हमें ये काम करना है। हमें रिसर्च करने हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, साइंस में, है ना, यूनिवर्सिटी को कोलैबोरेट करना है, जुड़ना है वहाँ से, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है रिसर्च फील्ड में, ये सभी चीज़। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। तो पहले देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो संस्था है हमारे कंट्री में, जो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है, ठीक है, बताए थे ना ऊपर बताए थे ना स्टूडेंट, इतना काम करता है तुम्हारा। देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, है ना, राजा मन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, यही साइक्लोट्रॉन बार बार बोलते थे ना कलकत्ता का, यही है, समझे, और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये सब तुम्हारा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का संस्था सब है, ये करेगा, असिस्ट करेगा, सब DAE के अंदर काम करता है। DAE का काम ही है टेक्नोलॉजी बनाना कोलैबोरेट करके, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, देखो हैवी वाटर लगता है कि नहीं लगता है, बताओ, हैवी वाटर बताए थे ना, जो ड्यूटेरियम वाला यूज़ हो रहा था ज़्यादातर, याद है ना जी, सेकेंड वाला जो था, वो तो हैवी वाटर बनाना मुंबई में है तुम्हारा, न्यूक्लियर फ्यूल तैयार करना, जो फ्यूल जिसमें टकराएगा वो फ्यूल तैयार करेगा ना जी, हैदराबाद बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ये सब 3 संस्था है जो कि DAE के अंदर काम करेगा, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना डेडिकेटेड वर्क है।
आगे देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद है ना, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंहभूम, न्यूक्लियर ये देखो NPCL मुंबई है ना, भारतीय नविका विद्युत निगम लिमिटेड कलपंग ये इसको भावनी कहते हैं, ये सब तुम्हारा क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि DAE के अंदर ही काम करेगा ताकि बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप्ड हो। और एजुकेशनल सेंटर देखो, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का है ना, उसके बाद देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद का, ये तीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि DAE के अंदर काम करेगा। देख रहे हो कितना बड़ा ब्रांच है इसका, कितना बड़ा नेटवर्क है, सब यहाँ पे शोध होगा बाबू, यहाँ पे एक से एक टैलेंटेड बैठा रहेगा ना इंजीनियर लोग जो करेगा हेल्प करेगा। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर तुम्हारा बीटेक करता है, जैसे एयरो साइंस देखते हो, एयरो साइंस जा रहा है बच्चा लोग, तो न्यूक्लियर का भी अपना, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी बीटेक होता है, जैसे एयरोनॉटिक्स का होता है ना जी, सबका अपना अपना होता है। तो सबसे बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे टैलेंट सब। आगे देखो तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ऊपर जाके देख लो कहाँ पे फॉल हुआ, हाँ साइड वाला है ना जी वही, इसलिए वो देखना जरूरी है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का दो चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बता चुका हूँ देखो, ठीक है, और एक तुम्हारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो फिगर को बार बार देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका काम क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट, जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन रहा है तो सेफ्टी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा ना, क्या भरोसा फुकुशिमा वाला इंसिडेंट फिर से हो जाए। इसलिए जब वही बोला कि ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट, जो भी DAE का प्रोजेक्ट है प्रोग्राम है उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट होना चाहिए, इसलिए बाबू ये क्या करता है टेक्निकल फाइनेंशियल और स्टाफ सपोर्ट देता है ARB को, ठीक है। DAE क्या करता है तुम्हारा टेक्निकल फाइनेंशियल और स्टाफ सपोर्ट देता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, बट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का क्या है सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना कि हाउ टू यूज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ताकि बहुत ज़्यादा तुम्हारा यूरेनियम सब बाहर नहीं निकले और आदमी इनहेल ना कर ले, आदमी इनहेल करेगा तो बर्बाद हो जाएगा फिट जाएगा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। नंबर वन देखो ये करता है, ये रिव्यू करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। और ये भी देखो जो बनाया था या ऐसे नहीं बना है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को पावर डिराइव करके बनाया बॉडी। मिशन क्या है कि न्यूक्लियर रेडिएशन से कोई तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए ह्यूमन हेल्थ या एनवायरनमेंट के ऊपर, नंबर वन। और देखो इसका जो भी आता है रिपोर्ट आता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस है न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेफ्टी को बहुत ही अच्छे एक्सेलेंट तरीके से देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखो जिस जगह पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसमें थोड़ा बहुत रिलीज होगा ही होगा, मगर जो भी रिलीज हो रहा है वो तुम्हारा क्या है विद इन सेफ्टी नेट है, यानी कि इतना ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा है कि लोगों को दिक्कत हो जाए, वो तुम्हारा एकदम लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो कि इसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखो ऊपर में था ना NPCL, बिल्कुल उसके बारे में जानने वाले हैं। इसका काम क्या है, देखो ये तो PSU है, एक तो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर अंडरटेकिंग सही है, और तुम्हारा DAE के अंदर ही काम करेगा, ऊपर देख सकते हो जाके। इसका काम क्या है, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और ऑपरेट करना न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ठीक है। ये बनाया गया था 1997 में। इसका काम क्या है, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट करना और एटॉमिक पावर स्टेशन को मेंटेन करना ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट हो। अभी तक देखो कितना है भारत में, 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, लगभग 6000 मेगावाट का है, बहुत कम है। उसके बाद देखो ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये भी था ना वहाँ पे। इसका काम क्या है, स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, यानी कि इंटरनेशनल कोलैबोरेट करना। ये क्या करेगा, बाकी कंट्री जो बेस्ट है न्यूक्लियर एनर्जी में उसके साथ कोलैबोरेट करेगा। तो देखो ये DAE का 6th रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है और ये हरियाणा में बनाया गया ताकि इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सके हम ढंग से और उसका टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर सके, समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोशिश तो रहेगा कि यूरेनियम को एक्सपोर्ट किया जाए, माइनिंग किया जाए ताकि यूरेनियम निकलेगा तो हमें बहुत फायदा होगा, इसी का काम है। ये भी देखो DAE के अंदर ही काम करता है, ये 1967 में लाया गया था और इसका काम है यूरेनियम को माइन करना, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो इसलिए जितने भी यूरेनियम माइंस होगा सब इसके अंदर ही आता है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब DAE टारगेट, इसका टारगेट क्या है, देखो टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट सेट क्या किया है कि 2050 तक 33% जो हमारा इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आए, तो बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ये, समझ गया ना। और ये लगभग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखो ना 1,100,000 है ना, बहुत ज़्यादा है 2,75,000 मेगावाट, बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। अभी देखो हम लोग अभी सेकेंड स्टेज में है ना, देखो अभी हमारा जो याद करो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज, हम 10 गीगावाट है कि नहीं है, वो 10,000 मेगावाट मतलब 10 गीगावाट हम सेकेंड स्टेज में है कहने का मतलब। और हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम फ्यूचर में कैसे डेवलप होगा वो डिपेंड करता है थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज वही जहाँ पे थोरियम यूज़ होगा और हमारे पास बहुत थोरियम पड़ा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ लिखा गया। तो देखो अदरवाइज यदि सेकेंड स्टेज पे ही लटके रहेंगे तो यूरेनियम बाहर से मंगवाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए,
समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया, वो सेम चीज़ हो जाएगा जैसे तुम्हारा ऑयल में हो रहा है, नेचुरल गैस में हो रहा है, जो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है 87 और 50% रेस्पेक्टिवली। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, दिक्कत ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ना बहुत एनर्जी है, बहुत वाटर खाता है, क्यों, एज अ कूलेंट बहुत यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा ही उस हिसाब से भी खराब है। और ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तुम लोग को कई बार ज्योग्राफी में बोल चुके हैं कि ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट कोस्टल एरियाज में रहता है, क्योंकि इट रिक्वायर्स वाटर, समझ गया ना। और दूसरी बात है, कोस्टल एरिया हमारा क्या बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, सेंसिटिव एरिया है कि नहीं है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वहाँ पे तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करोगे तो एक इन्वायरमेंट कंसर्न भी तो आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम। देखो लास्ट में पहुँच गया स्टूडेंट, देखो वही बोला कि जब जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ है उसके बाद एक अलग से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि फिर से इस तरह का इंसिडेंट ना हो। अब सेफ्टी मेजर्स लेने के चक्कर में स्टूडेंट क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट, सोलर और विंड प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है उसके कंपेयर में ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि अलग एडिशनल तुमको डिजाइन करना पड़ेगा, अलग सेफ्टी मेजर लेना पड़ेगा, तो वो महंगा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है ना, इसलिए महंगा हो गया। अभी तक भारत में देखो 21 प्लांट्स ऑपरेशन में है, बट इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, अभी बनेगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट भी थोड़ा लगता है, बट देखो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी तुरंत आ जाएगा, वो बनता है तुरंत बिजली दे देगा, कनेक्ट कर लो पावर ग्रिड से या फिर स्टोर कर लो, बट इसका ऐसा नहीं है, अभी करेंगे तो 20 साल बाद बन के आएगा, तो सबसे बड़ा पंगा है कि लॉन्ग जेसेशन पीरियड का पंगा है इसका, समझ गए। दूसरी बात देखो, कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अरे भाई घाटा है इसमें, क्योंकि देखो इसमें बोला गया है कि इसका, कई एक्सपर्ट कहते हैं कि जो टोटल कॉस्ट लगता है न्यूक्लियर लाइफ साइकिल में, कि पहले यूरेनियम को माइन करो, फिर ट्रांसपोर्ट करो, फिर स्टोर करो, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाओ, फिर उसके बाद डिजास्टर होने का संभावना, फिर वेस्ट जो जनरेट हुआ उसको ठीक से करो, तो जो भी करोगे ऐसे भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 40 से लेकर 50 साल तक चलता है, और जो भी कमाई होगा उसे कंपेयर में ज़्यादा तो यहीं पर खर्च हो जाता है, तो इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना ठीक नहीं है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यूरेनियम से निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, फिर से बनाना, बीडर बनाना, और जो भी या फिर मान लो कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया फुकुशिमा की तरह, वो दिक्कत, फुकुशिमा इंसिडेंट कैसे हुआ था, जब सुनामी आया था तब हुआ था बाबू, समझे, जापान में जो 2011 में सुनामी आया था तो पूरा ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो त्रासदी हुआ है अभी तक त्रासदी झेल रहा है। तो इसका टोटल करोगे तो जो 40-50 साल में जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो लाइफ होता है, जितना कमाएगा उससे ज़्यादा चला जाता है लाइफ साइकिल में, ठीक है, वही चीज़ दिया गया, डेट से ख़त्म हो गया जी।